यूपी के महोबा में पूर्व महाधिवक्ता व पूर्व सांसद विजय बहादुर सिंह के प्राचीन साई मंदिर में लाखों रुपए की चोरी की घटना का मामला सामने आया है। बता दें कि मंदिर के पुजारी और सुरक्षा गार्ड को प्रसाद में जहरीला पदार्थ खिलाकर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। जी हां, महोबा जिले में डकैती, चोरी, लूटपाट की घटनाओं से आम जनमानस में भय का माहौल बना हुआ है। बड़ी बड़ी वारदातों का खुलासा नहीं हो पाता है। आज ऐतिहासिक प्राचीन साई मंदिर से लाखों रुपए की कीमत का मुकुट चोरी करने की घटना ने पुलिस प्रशासन को भी सख्ते में डाल दिया है। बता दें कि पुलिस को चोर और डकैत आए दिन खुली चुनौती दे रहे हैं। चोरों ने मंदिरों, मठों और धार्मिक स्थलों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पूर्व सांसद के मंदिर से मूर्ति चोरी की घटना के बाद भी पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल पहुंचने की कोई सुध तक नहीं ली। हद तो तब हो गई जब इस मामले में आला अधिकारी सरकारी CUG नंबर मोबाइल बंद कर कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। वहीं इस बारे में जब जी न्यूज़ इंडिया ने मंदिर के पुजारी दीपक कुमार से बात की तो उन्होंने अधिक जानकारी देते हुए बताया। शाम को बंद कर दिए, खुला रखा था। अच्छा, मुकुट भर ले गए। मुकुट भर ले गए। वो जो क्या नाम है, क्या घटना हुई यहाँ पे? हमारी यहाँ श्री साई बाबा स्कूल से मुकुट चला गया। किस चीज़, कौन का है? सोने का था। कहाँ पे रखा था? गोदे में रखा था अंदर। पंडित जी रहते थे, दीपक पंडित जी रहते थे उनको, और एक पंडित जी वो रहते थे, वो गार्ड भी रहता था, उनको कुछ खिला दिया है, वो सारी रात बेहोश पड़े हुए। कितने टाइम लगभग पता है? अब 8:30-9 के बीच में। कौन आया था? पता नहीं कौन आया था, और पता नहीं चला कौन, उनको पैसा चढ़ाया और पैसा उन्होंने खवाया और खा लिया, और उसके बाद बेहोश हो गया। मैं तो यहाँ नहीं था, मंदिर में स्कूल में था, लेकिन मुझे सुबह पता चला कि ये बेहोश पड़े। ये निशवा पनवाड़ी के बीच में, हाँ कॉलेज भी है साथ में। तो अभी आपने सूचना दी पुलिस को? हाँ, सुबह सूचना दी, 100 नंबर आई थी, उन्होंने सब देख लिया है। पनवाड़ी जब आ गए, पनवाड़ी के बाद दिखाई हो गए, तो महोबा पहुँची। अच्छा, महोबा के बाद पता नहीं अब कहाँ जा रहे, कहाँ नहीं जा रहे, कि वहीं ठीक हो जाए। अभी कोई जानकारी नहीं है? अभी कोई जानकारी नहीं, अभी तो इलाज चेकिंग हो। थाना पनवाड़ी क्षेत्र में एक गाँव निस्वारा पड़ता है, जिसमें साईं बाबा स्कूल में एक मंदिर है साईं बाबा का, जिसमें कि शाम को डेली 8 बजे आरती होती है। आरती के दौरान एक व्यक्ति आया, उसने वहाँ पर प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद चढ़ाने के बाद में वो प्रसाद वहाँ के पुजारियों ने और चौकीदार ने सबने मिलकर के खाया। प्रसाद खाने के बाद में वो चौकीदार और पुजारी अचेत हो गए। उसके बाद में उस व्यक्ति के द्वारा मौका पा करके साईं बाबा के मुकुट को चोरी करके वो ले गया। तत्पश्चात जैसे ही इसमें सूचना मिली तो पुजारियों को और चौकीदार को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जिनका इलाज चल रहा है इस समय, और उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने के लिए टीमें लगा दी गई हैं, और शीघ्र ही उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाएगी और शीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा।